जयस्वर वेद कथा, जयस्वर वेद कथा, जयस्वर वेद कथा, जयस्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जयस्वर वेद कथा, जयस्वर वेद कथा, जयस्वर वेद कथा, जयस्वर वेद कथा। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। हमारे भीतर है परमात्मा, हमारे भीतर है परमानंद, इसीलिए तो हम आनंद चाहते हैं। परमात्मा ही आनंद है, रसो वै सह, परमात्मा ही शांति का समुद्र है, तो हमें क्यों न शांति चाहिए, हमें क्यों नहीं आनंद चाहिए। अब मन नियंत्रित नहीं है तो बहुत बार हमारा सारा आनंद शरीर में, संसार में, इन भोगों में, इन पदार्थों में, धन में, जमीन में, मकान में, दुकान में, घर में, परिवार में ही सारा आनंद नजर आने लगता है। आनंद तो चाहिए, आनंद तो प्रिय है हमको, लेकिन क्षणिक सुख को, संसार के सुखों को ही बहुत बार हम सब कुछ समझ लेते हैं। इसमें भी उसी का है उसी का है, सब ईश्वर का, ईश्वर से भिन्न है नहीं कुछ। सीक बूंद सम जगत सुख, सीक बूंद सम जगत सुख, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमि कहूं, परमानंद को किमि कहूं, शक्य वचन नहीं ज्ञान, शक्य वचन नहीं ज्ञान। अमृत कुंड हिलोल से, अमृत कुंड हिलोल से एक बूंद गिरी आए, सोई बूंद छनि प्रकृति में जग जीवन सुख पाए। परमात्मा ही आनंद है, परमात्मा ही आनंद है, आनंद ही परमात्मा है। आनंदो ब्रह्मेति बजानात, आनंदाद्वै खल विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ते अभिशम्विशन्ति। परमात्मा ही आनंद है और आनंद ही परमात्मा है, और जब आत्मा सेवा, सत्संग और साधना के पथ पर आगे बढ़ने लगती है, तब उसको ज्ञात होता है, तब पता चलता है कि आनंद कहाँ है और आनंद किसे कहते हैं। साहब, विहंगम योग सद्गुरु देव का यह स्वर वेद उसी अनंत आनंद की तरफ हमें ले चलता है। संसार में जितना मिलता है और जितना मिलेगा वो सब क्षणिक है, मिटने वाला है। मित्र प्यारे सोच देखो, मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है, दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं,
प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। तो संसार में परिवर्तन है, कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। ये धूप है, ये छांव है, ये जेठ की दुपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहार है, ये दिन है, ये रात है, ये गुलाब का फूल है और इसमें कांटे लगे हुए हैं। ये संसार का सुख है और भीतर में दुख मिला है इसमें। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि संसार, संसार का बंधन और संसार के कर्म निरंतर निरंतर एक मानव को संसारिक कर्मों में श्रेष्ठ, अश्रेष्ठ, शुभ अशुभ कर्मों में निरंतर उसको गतिमान किए हुए हैं। शुभ कर्म अशुभ कर्म, शुभ अशुभ मिश्रित कर्म। और मूल में क्या है? मूल में हमारी कामनाएं हैं। कामनाएं भले नियंत्रित ना हो, ये निकेन प्रकारेण, बहुत बार हम अपनी अनुचित कामनाओं की सिद्धि के लिए भी प्रयत्नशील हो जाते हैं। जो श्रेष्ठ कामना है, जो शुभ कामना है, जो हमारी सद इच्छा है, जो हमारा श्रेष्ठ संकल्प है, अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, वो तो अवश्य पूर्ण होना ही चाहिए। और इस विहंगम योग में सद्गुरु कृपा के आधार से हमारी भौतिक कामनाएं, जो श्रेष्ठ शुभ कामनाएं हैं, वे अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं, अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लेकिन हमारी कामना पूर्ति होती रहे, हमारी सब कामनाएं पूर्ण हो, और हम अध्यात्म के पथ पर आगे ना बढ़ें, केवल अपनी कामनाओं तक सीमित करके रख लें, तो भक्त चार प्रकार के होते हैं। एक भक्त को आर्त कहते हैं, वो दुखी है, वो दुखों से बचना चाहता है, उसकी समस्याएं हैं और सबके साथ कुछ न कुछ तो लगा हुआ है, संसार कहाँ पूर्ण होने को है। अनेक भौतिक रूप से बहुत संपन्न व्यक्ति, हम लोग निरंतर प्रवास पर रहते हैं, देश विदेश अनेक अनेक स्थानों पर, अनेक भौतिक रूप से बहुत संपन्न व्यक्ति जब अपना दुख रोने लगता है, तब लगता है कि ये क्या है साहब, इससे बड़ा दुखी कौन होगा। तो सुख का आधार भौतिक सुख संपत्ति नहीं है, सुख का आधार केवल बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ी दुकान, बड़ी जमीन नहीं है।
भौतिक रूप से सुखी नजर आने वाला भी बहुत दुखी होता है बहुत बार। ये हमारे मन स्थिति पर निर्भर है, हम किस मानसिक स्थिति में जीते हैं, हमारा मानसिक स्तर क्या है। साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जा में कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। जो कुछ भी है हमारे पास वो किसके लिए है, वो सेवा के लिए है। स्वयं के लिए ही जीना ये कोई जीना नहीं है, ये भारतीय जीवन नहीं है, ये ऋषियों का जीवन नहीं है कि हम सब कुछ के मूल में अपने को ही रखें। जो दिया है ईश्वरी कृपा के आधार से, जो भी मिला है हमें मूल में ईश्वरी कृपा का ही आधार है, महापुरुषों की कृपा का आधार है, तो हमारे पास जो कुछ भी है उसका सार्थक उचित उपयोग तभी है जब वो ईश्वरीय कार्य में लगे, जब वो सद्गुरु के कार्य में लगे, वो स्वर्वेद महामंदिर के काम में लगे। धन की जो प्रथम गति है उसको कहते हैं दान, फिर दूसरी गति भोग, और तीसरी तो नाश है ही है। दान भोग और नाश, धन की ये तीन गतियां हैं। तो सेवा तन से, मन से, धन से, वाणी से, विचार से, बुद्धि से एक साधक करता है। सेवा क्यों करता है? सेवा इसीलिए करता है कि वह पात्र बन जाए, कृपा का अधिकारी बन जाए, उसका अहंकार नष्ट हो जाए। और क्या बात है, सेवक सबसे बड़ा होता है। ये सूर्य देव हमारी सेवा में लगे हैं, लगाने वाले ने लगाया है, चंद्रमा की हिम्मत नहीं अपनी ड्यूटी में इधर से उधर कर दे। ये पृथ्वी घूम रही है ना, अपनी कक्षा में निरंतर सेवा में लगी है, किसने घुमा दिया? ये पेड़, ये पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, हमारा जीवन चलता रहे इतना व्यवस्था बनाने वाले ने व्यवस्था बनाई है। हमारे वैज्ञानिक तो अभी ईश्वर के नियमों को पढ़ रहे हैं, सूर्य की किरणों पर अभी शोध प्रारंभ हुआ है और बहुत प्रारंभिक स्तर पर है। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है ना, हमें क्या करना है, बैठे बैठे मिल रहा है। ईश्वर ने आवश्यकता से अधिक दिया है, छप्पड़ फाड़ के दिया है। किस लिए दिया है, किस लिए दिया है? केवल स्वयं के भोग के लिए, केवल खुद के लिए दिया है? ईसा वाश्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रदह कस्य सिद्धनम् माग्रदह कस्य सिद्धनम्। ये किसका है धन, ये किसका है? सब कुछ ईश्वर का है, चराचर जगत ईश्वर से व्याप्त करने योग्य है। जो कुछ भी प्राप्त है
उसका भोग कैसे करना, उसका भोग हमें त्याग पूर्वक करना है, सेवा में उसका उपयोग करना है, समर्पण के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यही तो हमारी संस्कृति सिखाती है। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर परमारथ के कारणे, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। जो श्रेष्ठ होते हैं वो सबके लिए जीते हैं, वो सबको अपना समझते हैं। जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा अन्यों के शरीर और जीवन को संचालित किए हुए है। जब आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं तब तो साहब आनंद और मंगल का ही मार्ग आगे बढ़ जाता है। खूब खूब सत्संग होना चाहिए, जितना अधिक सत्य का संग स्वरवेद का संग होगा उतना ही अधिक हमारे जीवन का आध्यात्मिक विकास होगा। विहंगम योग, ईश्वर ने मानव को अपार शक्ति संपन्न बनाया है। साहसी पुरुषार्थी आत्माएं अध्यात्म के उस दिव्य मार्ग पर बढ़ चलती हैं जो सामान्य जीवन से भिन्न तो है परंतु जिससे जुड़ जाने के बाद संसार की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हमें विचलित नहीं कर पाती। आत्मा के कल्याण का वह मार्ग विहंगम योग है। विहंगम योग के प्रणेता अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा ईश्वर से योग की अवस्था में रचित स्वरवेद महाग्रंथ विहंगम योग का हृदय है। स्वरवेद के दिव्य दोहे हमारे अंदर ज्ञान, उत्साह एवं पुरुषार्थ की प्रेरणा बन जाते हैं। इनके पठन मात्र से हमारा संसार और अध्यात्म दोनों में विकास होता है। स्वरवेद को समर्पित है देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा स्वरवेद महामंदिर धाम। श्वेत मकराना संगमरमर की दीवारों पर अंकित स्वरवेद के दिव्य दोहों से प्राणवंत इस अलौकिक महामंदिर में एक साथ 20,000 साधक विहंगम योग की वैज्ञानिक साधना का अभ्यास कर सकते हैं। व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास संभव है। मई 2017 में आयोजित ऐतिहासिक 21,000 कुंडीय स्वरवेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ ने एक आध्यात्मिक क्रांति का परिचय दे दिया है। अध्यात्म में सेवा सबसे प्रमुख है। विहंगम योग संस्थान द्वारा वैचारिक क्रांति, रक्तदान, निःशुल्क वैदिक विद्यालय, नशा विमुक्ति, पर्यावरण संरक्षण आदि अनेक सेवा कार्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक संचालित हैं। विहंगम योग आश्रमों की सैकड़ों गौशालाओं में असहाय गोवंश की सेवा के साथ अचूक पंचगव्य औषधियों का निर्माण भी होता है। आयुर्वेद भारत के आयुर्विज्ञान द्वारा स्वास्थ्य एवं शुचिता प्रदान कर रहा है। अध्यात्म मानव जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति सेवा सत्संग एवं साधना द्वारा सद्गुरु के स्वरवेद द्वारा ही संभव है। अध्यात्म पथ के अनुगामी बनकर हम अपना सर्वांगीण कल्याण कर लें।